सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयागराज पहुंचते ही बड़ा बयान दे दिया। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह का ऑफर ठुकराया तो वहीं यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के विवाद पर जमकर तंज कसा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं जाते जाते अखिलेश यादव जेएनयू पर भी बोल गए। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में दिए हैं, उसका राजनीतिकरण और अपने स्वार्थ में क्या कैसे लाभ पहुंच सकता है, उस रास्ते पर बीजेपी संस्थाओं को भी खराब कर रही है। अभी 2022 बहुत दूर है और न जाने कितने मुख्यमंत्री पद के लोग आएंगे तब तक। अरे आपको तो सवाल ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कह रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जिन मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी और आज उनका काम रोका जा रहा है। महाराष्ट्र के गठबंधन पे क्या गठबंधन विचार करेंगे आप? हमारी संख्या तो दो है, गवर्नर हमें तो नहीं बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में सरकार कोई न कोई गठबंधन के रूप में सरकार दिखाई देगी। आपको सवाल पूछने चाहिए दूसरे कि भाई गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हुआ। आप बताइए गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई क्या? क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ गए? आज जो संकट है, आर्थिक संकट है, बताओ बैंकें डूब रही हैं। इलाहाबाद नाम से जो बैंक थी वो बैंक ही खत्म कर दी। क्या इलाहाबाद बैंक से की नाम रहेगा? ऐसी आर्थिक मंदी आई है, नौकरी रोजगार व्यापार तो है नहीं। जो इकलौती आपकी प्रतिष्ठा थी, एक सम्मान मिलता था कि इलाहाबाद नाम से एक बैंक है, बताओ बीजेपी के लोगों ने उसे भी डुबा दिया। अच्छा जो एनआरसी उसमें चर्चा कर रहे हैं वो ये बताएं कि देश के सभी नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी, देश के किसानों की उनका धान कब खरीदा जाएगा? क्या आपको जानकारी है धान खरीदा गया? कोई सरकारी खरीद क्या हुई है उस पर जवाब कब देगी सरकार? और जो देश का आर्थिक संकट है उस पर जवाब सरकार कब देगी? 22 को सरकार बनाने जा रहे हैं और मैं जानता हूं आप लोग भी दुखी हैं। मैं तो चाहता हूं आप भी हमारे दुखी लोग हमारे साथ दें। कोई गठबंधन नहीं, समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कैसे सरकार बनाए उसकी तैयारी में जुटी है। कोई समझौता नहीं। मुझे खुशी है कि सबसे नौजवान ने सबसे अच्छा सवाल पूछा है। आज किसान दुखी है, नौजवान सड़कों पर है, जेएनयू में क्या मांग रहे हैं? केवल फीस सस्ती हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए और सस्ती हो जाए, यही तो मांगे ना उनकी। समाजवादियों का ये मानना है कि गरीब की पढ़ाई मुफ्त हो और हमारी बेटियों की पढ़ाई मुफ्त हो, चाहे कोई संस्था हो, क्योंकि सरकार के पास पैसा है, सरकार खर्च कर सकती है। आपको ये पूछना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें, अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें। मुख्यमंत्री जी छीन ले रहे हैं उप मुख्यमंत्री का विभाग भी, जैसे छीनी थी एक बार कुर्सी, याद है आपको? उस पर अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी सहयोग करें 2022 में सरकार बनाएं।